अस्सलाम वालेकुम। एक और नया चैप्टर हम आज शुरू करते हैं, इकतरान जवाब शर्त बिलफाइल। शर्ती जुमला में इसका जवाब के साथ फाइल आएगा, ऐसा बहुत जगह है, वो जगह कहाँ है तो आप लोगों को मालूम है। अगर ये शर्त का जवाब में क्या है, फेल हो तो जज्म देना है, ऐसा वगैरह पढ़ लिया है आप लोगों। लेकिन यहाँ ऐसा जज्म देने की हाजत नहीं, फा आए तो फिर फाल के बाद कभी जुमला इस्मिया होगा या सात आठ कवायद है, वो कायदा में से कोई एक आएगा तो वहाँ असल में जवाब का जगह पर है, लेकिन वहाँ का इराब उस हालत में जो इराब है वो मिल जाएगा। तो जगह कहाँ है वो आज हम चेक करेंगे। इक्तरान अजिबो इक्तरान जवाब शर्ती बिलफाइदा काना मनफियन जुमलतन तदुल्लु अला तलबी मसबूकम बिसीन औ सौफा औ मसबूकम बिकद औ मस औ फ़ेलु शर्ती जामिदन जुमलतन इस्मियतन। तो शर्ती जुमला में उसका जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो तो वहाँ फा देना है, फिर जुमला फीलिया आए तो वो फील मनफिया है तो उस वक्त भी क्या देना है, फा देना है। और तलब का तलब पर दलालत देने वाला कोई जुमला आए तो जैसे अम्र फील या नहीं सब आए तो क्या करना है, वहाँ भी फा देना है जवाब शर्त में। और जवाब शर्त का जुमला शुरू होने से पहले सासीन या सौफा आए तो फसोफा फसायरा तो सब उस वक्त भी फा आएगा। और कद आए तो भी फ़द बोलना है, और जामिद हो तो भी क्या करना है, फा देना है। फा को जवाब में फा आकर कुरान में भी बहुत जगह पर आया है, जैसे मैं युद्लिल्लाहु फला हादियला वहाँ क्या है, फला वहाँ मनफिया है, फेलिया जुमला है लेकिन मनफिया होने की वजह से ला के पहले फा को ऐड कर दिया। और फमन शहीद मिनकुम शर फल्यसुम्हू वो तलबिया फेल तलब है, इसके वजह से वहाँ ऐड कर दिया। इन तुसादिक ज़ैदन फहुवा मुखलिसुन वो इस्मिया जुमला का मिसाल है। ये तो कुरान का नहीं, सादा इन तुसादिक ज़ैदन फहुवा मुस्लिकुन हुआ मुखलिसुन है। तो ये शर्ती जवाब शर्त में हमेशा फेली आने वाने की हाजत नहीं, तो वहाँ फहुवा मुखलिसुन का इराब दिया है, हुआ फी महल रफ़ मुब्तदा है और मुखलिस खबर है, और वह दोनों मिला के वह मुखलिसुन वो जुमला फी महल जज़्मी जवाब शर्ती शर्त का जवाब को जज्म देना है, लेकिन यहाँ इसमें जुमला होने की वजह से उसका इराब मिल जाएगा, लेकिन वो दोनों मिला के जवाब मुकम्मल तौर पर चकिए तो क्या हो जाएगा वो, तो शर्त जवाब का जो जवाब है और उसको जज्म देना है। तो अभी चैप्टर देखिए, इक्तरान जवाब शर्त बिलफाइल अल-अम्थला मन सआ फिल खैर फसईहु मशकूरुन मन सआ फिल खैर फसईहु मशकूरुन यहाँ सईहु मशकूरुन होता खबर है, इस्मिया जुमला है, इस्मिया जुमला होने की वजह से जवाब शर्त में फाइल को आल कर दिया। इन हया का अहदन भी तहिया दिन फहई ही भी अहसन मिन्हा अगर आप किसी को विश कर रहे तो अच्छा उससे भी अच्छे से विश करो, अब लोग तुझसे तहिया तो बोले तो फहई ही वहाँ फील अम्र है तलब है, तो तलब होने की वजह से यहाँ भी फा दिया। मन अफशा सिर सदीकी फलैसा बी अमीनिन यहाँ फलैसा लैसा जामिद है, जामिद मालूम है ना, जामिद बोले तो वो गिरदान नहीं करेगा, जैसे लैसा बिसा नेमा। तो ये तीनों हालत में असल में जवाब शर्त में ये हरकिस नहीं आना है, जवाब शर्त हरकिस जवाब शर्त का चैप्टर में आप लोगों को पढ़ लिया है पिछले साल। जवाब शर्त में तलब का जुमला हरकिस नहीं आना है, जवाब शर्त में मनफी नहीं आना है, इसमें जामिद नहीं आना है, ऐसा सात आठ कायदा पढ़ लिया है,
तो अगर जवाब और शर्त में ये वो सात चीज़ों आए तो क्या करना है, आए तो कुछ सोल्यूशन होगा ना, वो सोल्यूशन है उसके साथ फाव को ऐड करना। तो फाव को ऐड करने से जवाब शर्त भी हो जाएगा और वहाँ जिस्म की हालत भी बन जाएगा। ओके, तो जवाब शर्त बनने के लिए और जवाब शर्त को बनाने के लिए ये फाव ऐड किए तो जवाब शर्त हो जाएगा। तो यहाँ तीन का मिसाल बताया कि फसाइए मशकुरन का वहाँ इसमिया जुमला है, फाई है भी आसन मिनहा वहाँ अम्र फेल है, मतलब तलबी तलबिया जुमला है फिर भी तलब का है, और तीसरा में फलैसा भी अमीन वहाँ लैसा इसमें जामिद है, और फिर कुछ अमसाल भी है। इन असैत अमरी फलन तनाला महब्बती, ये फलन तनाला हाँ लन लन मनफिया है, मनफिया यूस आया मनफी आए तो फला हादियला कुरान में आया ना उसी तरह है, फलन तनाला महब्बती वहाँ लन आने की वजह से जवाब शर्त के साथ फा को ऐड करना पड़ा। और पांचवा देखो, इन हलत जमहूरियत मिस्रुल अरबियती अल्यौम फ़क़द नहलत मिन क़ब्ल, वहाँ क़द आने के वजह से फ़ेलिया जुमला है लेकिन क़द साबिक हो गया उसके वजह से क़द के साथ फ़ा को ऐड करना है। इन तजतहिद फ़मा उक़स्सिरु फ़ी मुकाफ़अतिका, वहाँ फ़मा उक़स्सिरु फ़ी मुकाफ़अतिका वो एक नया चीज़ है, फ़मा उक़स्सिरु फ़ी मुकाफ़अतिका मनफी का भी बोल सकता है लेकिन माँ अलग से भी कह सकता है। कुछ किताबों में लन माँ अलग से लन आए तो माँ आए तो ऐसा अलग से कहता है, या आमतौर पर मनफी आए तो बोलना काफ़ी है, यहाँ मनफी होने की वजह से हो गया है फमा कसर फिर मुखाफत का, माँ आने की वजह से फा को दिया। मन अब फी सगरी ही फसरी फी कबर ही, यहाँ सीन आने की वजह से फाल को देना पड़ा, और मन लमन्ना सा व सौफ़ इंदमु वहाँ सौफ़ आने की वजह से फाल को देना पड़ा। तो ये चैप्टर खुलासा बस इतना है, जवाब शर्त में नहीं आ सकता है बोल के कुछ कायदा पढ़ लिया है, वहाँ जवाब शर्त वो सब आ सकता है अगर उसके साथ फाव हो तो। वो आठ जगह है, वो आठ जगह का मिसाल यहाँ बता दिया है, और अभी वो ये जगह आपको पूरा समझ रहा होगा तो कायदा देखिए। इदा लम यस्लुहु अल-जवाबु लि अन यकूना शर्तन वजब इक्तिरानहु बिल-फाई, अगर कोई एक फेल या कोई एक जुमला वो शर्त का जवाब बनने के लिए वहाँ कोई चांस नहीं है तो शब्द का जवाब नहीं बन सकता, ऐसा हालत में वजब इक्तिरानहु बिल-फाई वो जवाब शर्त क्या होना है, फा के साथ मुक़्तरिन होना है। वो कैसे है, कौन सा हालत पर फा मुक़्तरिन होकर आएगा जवाब शर्त में, वज़ालिका बियान कान जुमला इस्मिया, अगर जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो तो उसके साथ फा शर्त फा आएगा, और फ़ेलिया जुमला है लेकिन फ़ेल वहाँ तलबियन तो तलबीय फ़ेल है, जैसे फ़ाई ही आसन मिनहा के जैसे कोई जुमला आए तो उसके साथ भी फ़ा आएगा, और जामिद आए तो फ़लैसा, और मसबूकम बिलन आए तो, और क़द आए तो, और माँ और सीन और सोफ़ा, ये सब फ़ेलिया जुमला के फर्स्ट में हो तो उसके साथ भी क्या है फ़ा शर्त फ़ा आएगा। ओके, तो ये आसान चैप्टर है, बस ये आठ एरिया समझ के रखना, तो ये आठ एरिया जवाब शर्त में आए तो उसके साथ क्या देना है फा देना है, और ये भी समझना है वो भी जवाब शर्त का हालत है तो वहाँ जज्म की हालत है, इराब देने वक्त ये यहाँ जो इराब है वो इराब देना लेकिन लास्ट में वो फी महल जज्मी दिख रहा है।